हाँ इधर आ गए हो, मालकिन बैठी है। कोई बोले कि मैं वास्तु जानता हूँ, मैं मंत्र जानता हूँ, तंत्र जानता हूँ, आपको बोलना चाहिए मैं पद्मावती को जानता हूँ, उसके सिवाय किसी की मुझे जरूरत नहीं है। नहीं है क्या बोलना चाहिए? मैं पद्मावती माँ को जानता हूँ। और वो हरामियों को आज सावधान कर देता हूँ कि मेरे तीर्थ में आके मेरे भक्तों को पकड़ के वास्तु देते हो, यंत्र देते हो, 50-25 हजार लेते हो, उनके घर में जाके हवन कराते हो, उन कुत्ते नालायकों को मैं ये बोल देता हूँ कि भगवती के चरण में आके भक्ति के नाम से ढोंग करने का पाप, रोटी की जगह मल खाने का पाप आपको लगेगा, क्योंकि भगवती के चरण में आके गिराक पकड़ रहे हो आप। भगवती के चरण में आके लोगों को ठग रहे हो। कितने बड़े वास्तु वाले हो आप, कितने मंत्र तंत्र जानते हो। इसके चरण की धूल की औकात जब मेरे को नहीं आई तो तेरे को क्या आएगी? मैं तेरे जैसे करोड़ वास्तु वाले मंत्र तंत्र वाले मेरे चरण के धूल की धूल नहीं हो सकते। जय गुरुदेव। और जो लोग इनके पीछे, इन नालायकों के पीछे, कई लोग ऐसे हैं बेंच में बैठ के कहीं नहीं आते, गिराक पकड़ते रहते हैं रूम में बैठ के, उनको गिराक पकड़ना ही काम है। तू कहां से आया, तू कहां से आया, तेरा तकलीफ मैं मिटा दूंगा। तकलीफ मिटाने के लिए तो वो माँ के चरण में आया है, और जब आप भगवती का चरण छोड़ के मंत्र तंत्र यंत्र के चरण में जाओगे, जिस दिन भी गए हो, फिर परिणाम शाश्वत सुख नहीं होगा। शाश्वत सुख तो धर्म ही दे सकता है। सत्य वचन मेरे गुरुदेव। तंत्र मंत्र तावीज नहीं दे सकता। जो लोग यहाँ आके लोगों को पकड़ के उनसे काम करते हैं, करवाते हैं, वो रोटी के बदल मल खाते हैं। वो रोटी नहीं खाते हैं, वो मल खा रहे हैं। रोटी नहीं खा रहे, रोटी खा तेरे घर में खा, तुझे दुकान चलाना तेरे घर में चला, यहाँ दुकान चलाने मेरा घर नहीं है, ये माँ का घर है, यहाँ भक्ति चलेगा, धर्म चलेगा, शास्त्र चलेगा। सत्य वचन गुरुदेव। करोड़ों तावीज बनाने की ताकत मेरे में है, जब मैं ही वो नहीं बनाता हूँ तो तू कौन होता है बनाने वाला? मुझे मालूम है कि ये तावीज खंडे यंत्र तंत्र कुछ दिन सुख दे सकते हैं, अंतिम में परिणाम में सुख नहीं लाएंगे। परिणाम में सुख तो भक्ति और धर्म ही लाएगा, और कुछ नहीं। परिणाम में सुख धर्म से ही आएगा। और सावधान हमको रहना है ऐसे लोग कोई चला के, यहाँ नालायक बहुत हैं। कैसे नालायक? जो खुद ही मतलब निकालने, काम निकालने आए, भक्ति नहीं है, कृष्णगिरी जाए, कुछ काम हो जाए, वो देखते हैं कि गुरुदेव बात ही नहीं करते, गुरुदेव मिलते भी नहीं, फिर मेरा काम कैसे होगा, फिर मेरे काम के परिणाम कैसे होंगे? अरे मूर्ख, प्रकृति और प्रभु जब भी देते हैं, फल देते हैं, तूफान देते हैं, पानी देते हैं, अग्नि देते हैं, आज तक प्रभु और प्रकृति जब भी दिए, बिन बोले दिए हैं, दे बोल के नहीं देता, प्रकृति और प्रभु बोल के नहीं देता। सत्य वचन मेरे गुरुदेव। जिस पर देखो ये चंदूलाल खड़ा, यही ना मूर्ख आदमी है तो दूसरे की क्या बोलना, देखो खड़ा है चंदूलाल, परम मूर्ख है ये। कैसे मूर्ख? हाँ हाँ, तुझे बोलूं तो तुझे डर लगे, उसके बोले तो हाँ हाँ है मूर्ख। कैसा मूर्ख हुआ? जयपुर से एक को बुला के मैं कथा करवाता था, पद्मनाभ शरण। क्या बोला? जयपुर से कथाकार को मैं पहले कथा नहीं करता था, क्योंकि पूरी दिन साधना करने में लगा रहता, कथा कौन करे भाई, मेरे से नहीं होता। जयपुर से एक पद्मनाभ शरण को बुलाया कि तू कथा कर भाई, मेरी साधना होती है। तो पूरे दिन तब साधना में रहता, सुबह 7 बजे जाता, रात में 2 बजे तक, बीच में गैप नहीं लेता मैं, कंटिन्यू साधना। तो चलो भाई, आए हुए भक्तों को कथा मिलती रहे, क्योंकि यहाँ रोज सैकड़ों आते हैं, बैठ के कथा सुनते रहेंगे। बुलाया तो उस नालायक ने, ये पद्मनाभ शरण जयपुर वाला, इनको फंसाया। क्या किया? आपके घर में पोती पोती है, पोता नहीं है, 35 हजार दोगे तो मैं यज्ञ कराऊंगा। उस समय इस नालायक को बोलना चाहिए था कि मेरे गुरु सक्षम में 1000 पोते दे सकते हैं, मेरे गुरु सक्षम में मुझे 1000 पोते दे सकते हैं। ऐसे फंस जाते हैं लोग, इन पाखंडी ठगियों से ऐसे फंस जाते हैं लोग। 35 हजार इसने दिया कि हाँ पोता हो जाएगा, और जैसे ही हवन खत्म हुआ, 10वां महीना हुआ, और एक पोती हो गई। फिर आया, मैंने ध्यान में देखा यहाँ से कि ये ऐसा फंसा हुआ, यहीं से ध्यान में मालूम पड़ गया। फिर बुला के मैंने डांटा, माफी मांगी, फिर मैंने बोला माँ की शुक्रवार को आरती कर, अगले 10वें महीने 2 पोते होंगे। सितंबर महीने में मैंने ये कहा, और जुलाई महीने में 2 पोते हुए हैं इसके घर में। जय गुरुदेव। हवन की क्या जरूरत है, तंत्र मंत्र तावीज की क्या जरूरत है, मैं गुरु के चरण में हूँ, मेरे गुरु सब कुछ दे सकते हैं, ये भाव चाहिए।
कौन है रांडिया जो यहाँ आके वास्तु देखता है, ना मंत्र देखता है, ना लोगों को पकड़ के तंत्र देखता है, जला के राख न कर दूं मैं? वो तो मेरी दया है जो छोड़ता हूं, वो तो मेरी दया है जो छोड़ता हूं। तीर्थ में आए हुए सभी भक्त सावधान, किसी से ज्यादा बात करने की कोई जरूरत नहीं है, काम से काम रखो। बात करना है तो ऐसे तरसो के पद्मावती बात कर ले तू। जय गुरुदेव। संसार से क्या बात करते हो? कोई तुमको डराता है, धमकाता है, समझ लेना कि ठगिया है। जो डराता है न धमकाता है, पद्मावती से बड़े कोई पैदा हो गए जो तुमको डराएंगे न धमकाएंगे? पद्मावती से कोई बड़े हो गए जो तुम्हारे जीवन को सुधार देंगे? साक्षात जगत जननी के आप चरण में हो, साक्षात जगत जननी की सेवा करने वाले बच्चे वसंत विजय के चरण में हो आप।